यूनिवर्सिटी के सामने है और छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कुछ छात्राएं भी हैं, चलिए यहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेहर फातिमा। अच्छा, आज क्या क्या करने की यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप में नाम पता एड्रेस बहुत से लोगों का गलत हो गया, तो कॉलेज वाला बोला यूनिवर्सिटी जाके मतलब कि करेक्शन को ठीक करवाओ, पर यहाँ यूनिवर्सिटी का ये हाल है, देख लीजिए आप लोग खुद ही। तो और दो रीजन भी नहीं बता रहा कि गेट क्यों नहीं खोल रहा, बताना कल एग्जाम का लास्ट डेट है, कम से कम रीजन बताना चाहिए कि क्यों नहीं गेट खोल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम डेट है, प्रिपरेशन एग्जाम का करें, दो दिन बाद एग्जाम का डेट खत्म हो जाएगा। हाँ, एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम नेम करेक्शन ही नहीं हुआ, एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ से करवा रहे हैं? बोला कि दो दिन में ठीक हो जाएगा फॉर्म, अभी तक फॉर्म ठीक ही नहीं हुआ है, तब भरेंगे फॉर्म कैसे भरेंगे? सैटरडे को एक बार ठीक करवा के जा चुके हैं, फिर बोले थे कि दो दिन में आप आइए उसके बाद ठीक हो जाएगा, और दो दिन बाद चेक किए तो ठीक ही नहीं हुआ, और कल एग्जाम का लास्ट डेट है फॉर्म का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साल बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम प्रिपरेशन करें कि ये सब करें, इसमें सुबह से लेके यहीं पे खड़े हैं। स्टाफ निकल कर बोले हैं क्या? अंदर से स्टाफ निकल कर बोले हैं छात्रों की समस्या है, उसके निदान जल्द किया जाएगा। तो कहाँ हो रहा है, सुबह से खड़े हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? फॉर्म डेट खत्म हो जाएगा तब किया जाएगा, कब किया जाएगा? बोला जा रहा है कि कल आइए आप लोग, कल एग्जाम का लास्ट डेट है, कल हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फिर फॉर्म फिल करेंगे। हम लोग का एग्जाम का टाइम निकला जा रहा है, हम लोग तैयारी करेंगे या फिर इसी में लगे रहेंगे? प्रिपरेशन नहीं हो रही है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना, उसकी तैयारी करनी है, तो यहाँ पे सुबह से आगे खड़े रहो सही करवाने के लिए। एग्जाम को घर पर तैयारी करना चाहिए और आज यहाँ पर हाँ यहाँ पे खड़े होकर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वो सही नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी वाला, इसीलिए हम लोग खड़े हैं, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। आप ही लोग कुछ कीजिए, दरवाजा खुलवाइए। दरवाजे खुलवा देंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग का काम होगा, रीजन भी तो बताए कि क्यों नहीं खोल रहा है, रीजन तो बताना चाहिए। कितने घंटे से यहाँ पर है? सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं, सुबह से है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। सब कुछ बताएगी हम लोगों को क्या वजह है बंद करने का, बता तो दिया जाता है, हम लोग रीजन भी नहीं बता कि हम लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग आ जाते हैं। अभी देख सकते हैं कि अभी थोड़ा दिखाइएगा ऊपर से, बाहर पूरा अधिकारी है वहाँ पर है प्ले ग्राउंड में, लेकिन यहाँ से महज यहाँ से पाँच मीटर के दूरी पर निकलकर यहाँ पर उनको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, या छात्रों का निदान नहीं किया जा रहा है, या छात्रों की समस्या नहीं सुना जा रहा है क्या कि छात्रों की समस्या क्या है। फिलहाल खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़22 और देसी बिहार। बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा जब इस तरह का बिहार में खिलवाड़ होगा छात्रों के साथ। चलिए आइए बात करते हैं कि अभी हम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पास है, क्या दिक्कत है और भीड़ किस चीज के लिए इकट्ठा है? पहले इनसे ले लीजिए, पहले इनसे ले लीजिए। अधिकारी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, चलिए आइए बात करते हैं। क्या अधिकारी हम नहीं है, पहली बात क्या सिंडिकेट मेंबर है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर छात्र जमा हो रहा हुए हैं, कृपया कि किस वजह से छात्र जमा हो रहा हुए हैं? किसी का पेमेंट इशू फंसा हुआ है, नहीं वापस हो रहा है, किसी का माइग्रेशन का है, किसी का सर इधर आ जाइए, बहुत समस्या विद्यार्थियों का, फॉर्म भरा रहा उसमें पेमेंट इशू हो गया है और रिसीट नहीं मिल रहा है, यही समस्या लेकर के विद्यार्थी लोग बहुत परेशान है। लेकिन यह समस्या का निदान होगा, आप एक से दो दिन का समय है, वो समय बढ़ाया जाएगा। मैंने अंदर बैसी से भी बात किया है, रजिस्ट्रार से भी बात किया है, एग्जामिनेशन इन कंट्रोलर से भी बात। कुछ छात्रों का कंप्लेन है कि फॉर्म भरा लेकिन सर्वर डाउन है एक सप्ताह से और कल तक ही लास्ट डेट है, तो उसके लिए फाइन है? नहीं, उसके लिए फाइन नहीं, उसके लिए डेट बढ़ाया जाएगा, मैंने उनसे पूछा है। कोई रिटर्न है, कोई रिटर्न दीजिएगा तब ना बढ़ाया जाएगा, ऐसी थोड़ी। ये तो वायुमंडल का गड़बड़ी ना है, सर्वर में कोई यूनिवर्सिटी ना कोई छात्र किसी से लेना देना नहीं, ऐसा है कि यह व्यवस्था SBI की ओर से है, व्यवस्था SBI का सर्वर डाउन होने के कारण यूनिवर्सिटी के काम में अभी जो छात्रों के साथ कठिनाई हो रहा है, इसके लिए खुद मैं जा करके अंदर मिला और माइग्रेशन और सारी बिंदु पर हमने बात किया है, बोला कि संशोधन इसको किया जाएगा, माइग्रेशन का रेडी सीट अब जारी हो गया, अभी निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना चौधरी, सिंडिकेट मेंबर। इधर आइए लड़के लोग, चलिए आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। मैं आकाश सिंह हूँ, रिप्रेजेंट पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष छात्र राजस्थान, विद्यार्थी की कंटिन्यू समस्या यहाँ पढ़ते जा रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग आग्रह किए थे, स्कूल में भी आग्रह किए थे, तो उन्होंने बोला था कि दो दिन का इनको समय दिया जाए और 7 तारीख तक ये पूरा साइट का जो भी समस्या आ रहा है ये समस्या को ठीक कर दिया जाएगा।
ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी देख रहे हैं एक बच्चा तीन बार चार बार पेमेंट कर रहा है लेकिन कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है। रोज पढ़ाई एग्जाम आ रहा है, कंटिन्यू पास में आ गया है, विद्यार्थी पढ़ने की जगह पे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? कुछ विश्वविद्यालय के एक मेंबर ने अभी आश्वासन दिए है कि छात्रों की जो समस्या है उसको लेकर सुनवाई हुई है, अंदर और डेट बढ़ाया जाएगा। देखिए डेट बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए वो बात का बात है, पहले मुद्दा यह है कि छात्रों का एग्जामिनेशन है भविष्य का बात है। एग्जाम कोई पढ़ेगा या फिर बार बार यूनिवर्सिटी दौड़ेगा कॉलेज दौड़ेगा, यहाँ तक कि कई प्रोफेसर टीचर लोग का बर्ताव भी अच्छा नहीं रह रहा है, जो भी कर्मचारी वहाँ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आने पर यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हम कॉलेज को दे दिए हैं, जो भी कारोबार है कॉलेज बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आप यूनिवर्सिटी जाइए, बीच में छात्र इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इसमें क्या किया जाए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा को एकदम मजाक बना के रख दिया गया। चलिए और लड़का है, कड़ी निंदा करेंगे और विरोध भी करेंगे, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन का भी करेंगे और कॉलेज प्रशासन का भी करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अंकित सिंह है, अभी इसी यूनिवर्सिटी से, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हूँ और एन कॉलेज से, और यहाँ पे जो नो रिकॉर्ड फाउंड का ये है, मतलब शुरू से ये चला आ रहा है। पहले तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप ही नहीं जनरेट किया गया था, उस समय मैं लेटर लिख करके दिया यहाँ पर करके, तो वो आया लेकिन 5 तारीख को आया, जबकि एग्जामिनेशन फॉर्म 2 तारीख से ही भरा जा रहा है। उसके बाद में भी कुछ लोग का आया तो उसमें फिर भी प्रॉब्लम आ रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड का, वोकेशनल का तो आ ही रहा है, साथ में ये रेगुलर वाला है, सबसे ज़्यादा रेगुलर वालों का ही मिल रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। और अब देखिए आज तो मतलब आपको 8 तारीख को जो है, मतलब जितना शुल्क है उतना पे, 8 तारीख को लास्ट डेट है, आज आपका 7 तारीख हो गया, बस बचा है एक दिन, अभी भी कोई मतलब एक्शन यहाँ से नहीं है और ना ही कॉलेज से है। एक मेंबर है, इस अंदर के एक मेंबर निकले हुए हैं विश्वविद्यालय का, बोले हैं इस बात पर आए की बात सुनवाई होगी और डेट बढ़ेगा और छात्र का समस्या का निदान किया जाएगा। अगर डेट बढ़ रहा है तो हम लोग का जीत का बात है, अगर नहीं बढ़ेगा तो ये लड़का का क्या होगा, 1 साल जाएगा ना। डेट बढ़ेगा वो आश्वासन दिए, क्या कहना चाहिए? आश्वासन दिए हैं, अब क्या ही यहाँ से बोले कि सब काम हम कॉलेज को दिए हैं, कॉलेज बोल रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम यहाँ इनको दिए हैं, यूनिवर्सिटी जाओ, तो लड़का कहाँ जाए, कॉलेज जाए यूनिवर्सिटी? अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी कोई बात नहीं है, अभी नहीं किए हैं, स्टाफ के बोलने से हो जाएगा, आप नोटिस निकलवा देते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डेट आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन डेट वैसा तो नोटिस नहीं आया ना कहीं अभी इसी। हाँ, मैं भी एन कॉलेज का छात्र हूँ, बायोटेक डिपार्टमेंट से, जो मेरा रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर रहे थे ना, तो उसमें पहले तो नो रिकॉर्ड फॉर्म लिखा रहा था, और जब डाउनलोड किए उसके बाद फिर उसमें सेशन जो होता है ना, एक सेशन उसमें नहीं लिखा हुआ था। छात्र का साफ साफ कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा या अंदर से कोई वरीय पदाधिकारी नहीं निकल कर इस बात को बोलेंगे कि इसका निदान जल्द से होगा और नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर चिपकाया जाए या ऑनलाइन के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तभी यहाँ से छात्र मानेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही, देखते रहिए।